Move! पर दो आदमी है सर। अरे तीन चाय भेजा। और नीचे तीन है। ओके। आइए 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 सर। आई एम मेजर कपूर, कमांड ऑफिसर, 60th रैंक।
हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स आवर ड्यूटी सर। राम, ये तालियां, ये जय जयकार तुम्हारी ही देन है। जी करता है कि आज मैं तुम्हें सबके सामने सल्यूट करूं। सर, क्योंकि आप हिट लिस्ट में हैं, आपके लखनऊ पहुंचने तक हमें आपकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। होम मिनिस्टर का आदेश है। देखो ऑफिसर, मैं अपने हर एक भाषण में यही कहता रहता हूं कि आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अगर मैं ही आतंकवादियों से डर गया कैसे चलेगा? एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना देश के लिए मर जाऊं। सर, इस देश को चलाने के लिए आप जैसे महान नेताओं की जरूरत होती है। डोंट रिफ्यूज सर, प्लीज कोऑपरेट। देखो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, बस देश की सेवा जानता हूं। मुझे तुम्हारा ये ऑफिसर बहुत पसंद आया। इनकी सिक्योरिटी मिले तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। बॉयज, 9:30 विमेन्स कोऑपरेटिव मीटिंग, 10:30 पार्टी मीटिंग, 12:00 ही विल बी एट लंच, 1:00 अगेन पार्टी मीटिंग, 6:00 टैगोर ऑडिटोरियम। दिस इज द प्रोग्राम। गॉट इट बॉयज? यस सर। प्रोग्राम बदल तो नहीं जाएगा ना सर? अब हम कैसे बतला सकता हूँ भाई, हमारे अनुसार तो अब तक सरकार को ही बदल जाना चाहिए था, फिर ये प्रोग्राम की क्या बात है भाई। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, प्रोग्राम फिक्स कर लिया। हाँ हाँ हाँ, गेट द मिनिस्टर्स व्हीकल। सब कुछ कंट्रोल में? यस सर। बहुत बढ़िया, नमस्कार। अरे हटो, हटो भाई, हटो। दरवाजा बंद कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, आप पीछे वाली गाड़ी में आइए। वो क्यों? सिक्योरिटी रीजंस। ये कार सिर्फ मिनिस्टर साहब के लिए है। इसका मतलब तुम हमको इस कार में बैठने नहीं दोगे क्या? तुम जिनके आगे सलूट मार रहे हो ना, वो हमारे लंगोटिया दोस्त हैं। देख भाई, हम सब बचपन के दोस्त हैं। आम के बगीचे में जाके आम तोड़ तोड़ के खाते थे, वो भी चुरा के। स्कूल में छुट्टी करके सिनेमा देखने जाते थे। उस नतनिया राधा रानी के घर जब हम गए थे ना, इसके साथ। तुम पता क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं तो इसे अपनी दोस्ती के किस्से सुना रहा था भाई। इसके बाद कुछ और सुनाया ना तो एक चांटा मारूंगा, जैसा वो कहता जाओ करो। अरे तो पहले ही बोल देना चाहिए था ना कि हमें पीछे वाली गाड़ी में बैठ के आना है। गाड़ी का टायर मैंने पंचर किया था। अरे वाह, आ तुम सुधरोगे नहीं। अरे हे वॉचमैन, हे वॉचमैन, अरे हम तुमको ही बुला रहे, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये क्या है ना, चकना खत्म हो गया है तो जरा इज्जत से बात कीजिए। अच्छा ठीक है, मिस्टर वॉचमैन जरा चकना ले आओ। ओए ओए ओए, ये वॉचमैन नहीं है, कमांडो है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों का एक ही तो काम है। अच्छा तो क्या तुम्हारा नाम कमांडो है? नहीं, मेजर राम। ओहो, राम, लो मिलो कलयुग के राम से। सर, ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तुम इससे मेरी शिकायत कर रहे हो? तुम्हें मेरा नाम पता है क्या? बंसीधर यादव। पता है, इसी ने आगरा में 20 बम लगाए थे, वो भी लाइन से। वो बात और है कि सिर्फ 4 ही फटे, बाकी फूस हो गए। और एक बम यहाँ लगा, यहाँ एक हाथ गवा दिया मैंने। देखा मेरी बहादुरी? क्या हुआ भाई, आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुम लोग वहाँ बंदूक की गोलियाँ चलाते रहते हो और हम लोग यहाँ बोतल पे बोतल चलाते रहते हैं। ए विजयधर, छोड़ो इस लड़के को, अरे दिल्ली में ठंडी बहुत है ना, इसलिए इसका खून गर्म हो गया है। 2-3 पैग अंदर जाएगा, फड़फड़ाने लगेगा। सही कह रहे हैं भाई, ये ले, कटक जा। सॉरी सर, मैं पीता नहीं हूँ। पता है, इसे पीने के बाद एक उल्लू भी प्लेन उड़ा सकता है। और हाँ, तुम्हारी मिलिट्री में तो ये हर जवान को पीना कंपलसरी है। क्यों भाई, मिलिट्री और रब का साथ है मरते दम। अभी यहाँ खड़े मत रहो, जाकर हमारी सुरक्षा के लिए इंतजाम जो करना है वो करो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी सुरक्षा के लिए ही। अरे बाप रे, चकना तो लाके दे नहीं सकते हो, फिर किस काम के रह गए हो तुम भाई? सर, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। ओके ओके।
अरे एक घूंट तो लगाता जा। रुकिए रुकिए, ऐसी आवाजें तो यहाँ रोज आती रहती हैं। इन सब चीजों को हम संभाल लेंगे। जाइए आप अपना काम कीजिए, जाइए। हेलो साहब, आप ही से बोल रहे हैं, बाहर जाइए। अरे एक बार बोला समझ में नहीं आया क्या? जाइए, समझ में नहीं आती क्या? काम कीजिए, बाहर जाइए। क्या बोली? Hey, तुम अंदर कैसे आ गए? चलो निकले यहाँ से। सर छोड़ दीजिए उसे। बचाओ, मेरी मदद करो। सर आप एक कॉलेज की लड़की के साथ, जाने दीजिए उसे सर। हाँ कॉलेज की लड़की है, मैं तो कॉलेज जाकर पढ़ नहीं सकता ना, इसीलिए मैंने कहा कि कॉलेज की लड़की को यहाँ लाओ, साथ बैठकर पढ़ेंगे। सुनो मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। मिस्टर पांडे, आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दो उस लड़की को। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? तुम कमांडो नहीं हो, मेरी रखवाली करने वाले कुत्ते हो। ए, सुन ले, मैं एक बार में दो गलतियां नहीं करता। ए, चल निकल। चलिए आप मानते तो हैं कि आप गलत हैं, छोड़ दीजिए उसे। नहीं तो क्या कर लेगा? जाने दो मुझे। छोड़ो। Oh!